हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं कैरेट का ये जो हलवा है वो बनाने लगी हूँ। तो मैंने यस्टरडे बनाना था, नहीं बना सकी, टाइम नहीं था, तो अभी मैं इसको आज बना कर आपको दिखाती हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं बनाने लगी हूँ। तो ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, इसे ग्रेट कर सकते हो। तो ये सारा दिया हुआ है, जो जो चीज़ें आप कर सकते हो, शेप जैसी बनानी है। तो मैं कैरेट के लिए ये वाला यूज़ करती हूँ, एवरी टाइम मैं ये करती हूँ यूज़। तो ये क्वाइट ओल्ड मशीन, नॉट न्यू मशीन, 4 years ओल्ड मशीन, दिस इज नॉट न्यू मशीन गाइस। तो मैं अभी कैरेट को पहले पील करूँगी पीलर से। लुक गाइस, ये कैरेट है विदाउट मेजरमेंट। कैरेट मैंने ली है, कैरेट में कोई नहीं मैंने रखा कि कितना मैंने लिया। 2 packets थे मेरे पास कैरेट के, तो मैं बस इसमें से मैंने निकाल ली है, नियरली 2 ही है। तो मैं बस इसको पील करूंगी पहले। सो ये मैं कैरेट सारी वॉश्ड मैंने कर ली है, दिस इज वॉश्ड कैरेट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पील ऑल दिस कैरेट। तो एजेस फिर इसके मैं कट कर दूंगी, ये एजेस है, डोंट नीड एजेस। तो इसे मैं ऐसे ये सारी कैरेट्स को पीलर से कर लूंगी क्लीन, पील करके तो कट करके तो फिर मैं इसे ग्रेड कर लूंगी। ग्रेटर के साथ भी आप कर सकते हो, तो मशीन मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन के साथ भी करती हूँ। ग्रेटर मैं कम यूज़ करती हूँ, जब मेरी कैरेट खराब है तो तब मैं मशीन को यूज़ करती हूँ। तो जब छोटा छोटा को काम करना हो तो फिर मैं ग्रेटर समटाइम यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं मशीन से ही करती हूँ। लोग ये गाइस, अभी मैंने सारी कैरेट को मैंने पील कर दिया है, अभी मैं इसके एजेस सारे में कट करके तो रख दूँगी कैरेट को, फिर मैं कर वो ग्रेट से कर लूँगी। तो अभी मैंने इसके आगे ये रख दिया है, कैरेट जब निकलेगा तो इधर से आएगा। तो अभी मैं मशीन को ऑन कर देती हूँ। अभी मैंने ये जो कैरेट रखा था ये देखिए हाफ रह गया, तो हाफ से अब मेरा जब मैं कुछ करूँगी तो हाफ ये ज़्यादा आगे चला जाएगा, इसलिए मैं इसे अब रखूँगी अंदर, तो पुश करूँगी। ऐसे मैं सारी कैरेट को करती जाऊँगी। तो करके तो फिर इसमें बनाती हूँ, इसकी रेसिपी बनाती हूँ अभी आपके साथ, वो भी शेयर करती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये अभी मैं इसको मैं इधर डाल दूंगी, वो मैंने रखा हुआ। इधर से प्रेस कर रही हैं तो ये ऑन होती है, यहाँ से मैं होल्ड करके रखती हूँ तो फिर ये ऑन हो जाती है। तो ये देखिए कैरेट ऐसे बस ग्रेट हो रही है कैरेट, तो बस मैं इसे थोड़ी देर देखिए कैरेट सारी ये हो गई है। ये देखिए, ये मैंने सारा कर दिया है कैरेट को, तो ऐसे बस मैं निकाल लेना है का। ये देखिए जो स्टक हो जाती है ना, फिर ये इधर हो जाता है, तो इसे बाहर निकाल दूंगी। ये वांटेड है तो ये निकाल, ये वैसे भी ये थोड़ा सा ये टूट गया, इसी वजह से हो जाता है, ये थोड़ा सा ब्रोकन हो गया। ये देखिए यहाँ से ब्रोकन भी हो गया, ब्रोकन ऑलरेडी दिस
पार्ट इज ब्रोकन सो दैट्स व्हाई यू स्टेप. मैंने अभी इधर ऑन कर दिया है, ये कुकर को ऑन कर दिया है. अब इसमें मैं सारे कैरेट को ऐड कर दूंगी. सो ये कैरेट सारी जितनी भी है सारी इसमें चली जाएंगी. ये थोड़ा सा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा कैरेट ली है. जब पकेगा तो थोड़ा सा हो जाता है. तो ये बच्चे तो नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी अपने, अभी के लिए बुला रही हूँ. तो ये मैं मिल्क ऐड करने लगी हूँ, साथ में ये मिल्क भी चाहिएगा. इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, बस मिल्क ही ऐड करूँगी. मिल्क में अच्छी तरह से ये गल जाएगा. थोड़ा ज़्यादा मैं मिल्क ऐड करूँगी जैसे. सो इसके लिए मैंने ये लिए हैं, ड्राई फ्रूट मैंने लिए है. ये सारी जो चीज़ें यूजली जो डालते हैं वही मैंने ऐड करने लगी हूँ. ये पिस्ताशू है. सो ये मिक्स मैंने लिए है, ये नट्स वगैरह मिक्स लिए हैं, जिसमें ये सारा कुछ है. ये आलमंड है, कश्यूनट है, और ये वॉलनट है, रेजन है. रेजन मेरे पास ये ब्लैक वाले लेके आए, ग्रीन डालने चाहिए थे तो, लेकिन ये ब्लैक वाले लेके आ गए तो मैंने ब्लैक ही ऐड करूँगी. ये देखें ये लुक गाइस. अभी मैंने इसमें मिल्क को ऐड किया है, वाटर नहीं मैंने ऐड किया, मिल्क ही ऐड किया बस. तो अभी मैं कैरेट को पहले अच्छी तरह से थोड़ा सा इसमें गलाऊंगी. कैरेट बहुत, इधर की कैरेट जो होती है बहुत हार्ड होती हैं, तो इनको अच्छी तरह से गलाना है. तो फिर मैं चीज़ें ऐड कर दूँगी. अभी मैं थोड़ी देर में ऐड करती हूँ चीज़ें इसमें. थोड़ा सा इसे मैं पहले गलाती हूँ कैरेट को, फिर मैं ऐड कर देती हूँ चीज़ें. बहुत ही टाइम लगेगा, ये इतना भी नहीं जल्दी बन जाता है, फिर भी टाइम लेगी ये रेसिपी. इसको फिर ड्राई कर दिया, वॉश कर दिया है, कैरेट वाला जो था. तो अभी फिर मैं इसको इसके साथ लगाऊंगी. तो ये जो सारी नट्स है इनका मैं क्रश करूंगी, सी से क्रश करूंगी. अभी मैंने ये वाला लेना है, ये भी देखे टूट गया, ये भी जैसे ये भी टूटा हुआ है. दिस इज ऑल्सो ब्रोकन लुक. ये सारे मेरे जो मैंने यूज ज्यादा किए ना वो टूट गए. ये भी इधर से ब्रोक हुआ है, और दूसरा वो जो कैरेट वाला था वो भी. ये नहीं मैंने यूज़ किया कभी. तो अभी इसको मैं ट्राई करती हूँ, मैंने वॉश किया है तो इसके मैं ट्राई करके तो अभी लगा देती हूँ. फिर मैं रेजन मैंने लिएंगे, सारा कुछ मैंने इसमें डालना है. ये चीज़ें मैंने इधर रखी हैं, ये सारा ड्राई फ्रूट इसमें जाएगा. मैं स्प्रिंकल करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर भी डालूंगी. पूरा पूरा ये ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं डालूंगी. बच्चों को अगर दिख गया तो उन्होंने खाना नहीं है. तो मैं सारा इसका पाउडर सा बना के ऐड करूँगी. थोड़ा सा पाउडर भी नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा स्मॉल होगा ना. तो अगर पूरा पूरा इस तरह होगा ना तो फिर खाते नहीं है. सारा कुछ निकाल देना उन्होंने. मैंने ग्रीन कार्डिमम भी इसमें ऐड की है. तो अभी ये चीज़ों को मैं बस इनका बना के रख लेती हूँ. वो ग्रीन वो जो आपके पास अगर है, एक मिनट याद करूँ, कोकोनट को भी ऐड करूँगी. अगर वो आपके पास जो हो नहीं कोकोनट होता जो पूरा बना होता है, जो पूरा कोकोनट बना होता है वो हो तो वो बेटर रहेगा, उससे ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट हो जाएगा. मैंने वो ही इनको बोला था लेके आए, लेकिन अभी मैं तो जा नहीं सकी थी, मैं बिजी थी थोड़ा सा. तो मैं ये लेके आ गया, तो ये लेके आएंगे. ये मुझे इतना नहीं पसंद, वो ज़्यादा अच्छा है. जो पूरा जो ग्रेटेड है ना, वो करने के ग्रेट करते हैं ना कोकोनट को, तो फिर छोटे छोटे पीस करके डालने तो वो बहुत ही मज़े का बनता है. यूजली मैं वही डालती हूँ, ये नहीं मैंने कभी भी ऐड किया. ये रेसिपी आज मैं पता है कितनी देर बाद बनाने लगी हूँ, ये वन ईयर के बाद ये मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ. बिकॉज बच्चे खाते हैं जब क्रिसमस का सीज़न होता है तभी मैं बनाती हूँ. तो आजकल क्रिसमस का सीज़न शुरू हो गया है, तो लास्ट में मैंने क्रिसमस का बनाया था. तो उससे भी फोर टाइम भी मैंने क्रिसमस का बनाया था, न्यू ईयर में क्रिसमस में बनाया था. तो आज भी मैं बस ये बना रही हूँ. क्रिसमस का सीज़न शुरू हो गया है तो बस ऐसी अब चीज़ें बनती रहेंगी, एवरी डे कुछ ना कुछ मैं बनाती रहूँगी. अच्छा ये मैंने ग्रीन जो कार्डिमम है इसमें से मैंने ये निकाल लिए हैं, ये नहीं खाते बच्चे तो मैंने निकाल दिए. वैसे मैंने होल भी ऐड कर दी हैं, तो ये मुझे चाहिए था बस इसको. तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा इसका भी पाउडर इसी से पाउडर बन जाएगा. ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी मैं डाल देती हूँ, इसका पाउडर बन जाता है. ये सारी चीज़ें अभी इसमें डाल दूंगी मिक्स करके ना, इसका थोड़ा सा पाउडर बना लूँगी. जितना मुझे चाहिए ना उतना ही मैं लूँगी.
अगर ज़्यादा हुआ तो मैंने ये देखिए इतना सा ये सारा कुछ मैंने ये लिया है सारा ड्राई फ्रूट, ये जितना भी है ड्राई फ्रूट। तो अब सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी, कर्ड डाल पाउडर बना दूँगी। तो ये मशीन के साथ क्रश कर दूँगी। ये अभी छोटा लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह का मुझे पाउडर चाहिए, तो मैं इसी तरह का ऐड करूंगी। ये सारी चीजें मैं साइड, एक्चुअली मैं एक प्लेट ले ली। ये देखिए गाइस, ये मैंने जो ऐड किया था मिल्क, ये देखिए अभी इसमें काफी ज्यादा मिल्क है। इस सारे मिल्क को ड्राई करना है तो ये काफी टाइम लगेगा, तो अभी इधर के टाइम काफी ज्यादा हो गया, ग्लैंड में काफी टाइम हो गया, तो अभी मुझे इसकी जॉब जो है ना फिनिश करके जाना पड़ेगा। अभी मैंने ये जॉब तो शुरू कर ली है, फिनिश करके अब जाऊंगी ये सारी जॉब। मैं ये जब रेसिपी बनाती हूँ मैं इन लॉज के घर भी भेजती हूँ, उनको भी भेजूंगी अभी, अगर वो उठे होंगे तो भेजूंगी, वरना मैं सुबह भेजूंगी। तो ये अभी बनता जाएगा, तो इतनी देर में अपना ड्राई फ्रूट कर ले, मैंने चेंज कर लिया, इसमें से सारा बाहर निकल रहा था, तो मैं अभी फिर इसको ऑन करूँगी जेट मोटर से। ऐसा ही मुझे चाहिए था, मैं ऐसे डालती हूँ। अगर खोपरा वगैरह हो ना, वो जो मैंने आपको बताया है वो आप डालेंगे तो वो बहुत ही, उससे बहुत ही मजे का बनता है। तो मैं गार्निश वगैरह जब करती हूँ ना, सारी चीजों को ऐसे ही कर लेती हूँ। आधा मैं भी इसमें ऐड कर दूंगी, हाफ में इसमें ऐड कर दूंगी, हाफ में गार्निश के लिए रखूंगी। तो ये कितना ईजी काम हो जाता है इन मशीनों से। तो इस तरह की मशीनें मुझे बहुत, मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा मशीनें हैं, डिफरेंट डिफरेंट मशीनें हैं, किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, टाइम नहीं मिलता। तो जब जब मैं रेसिपी बनाती हूँ तो मशीन जब आ जाती है तो मैं जिस मशीन से मुझे काम होता है तो शेयर कर लेती हूँ आपके साथ वो चीज़ें, अदरवाइज मुझे टाइम ही नहीं मिलता शेयर करने का। तो ये भी मेरी काफ़ी क्वाइट ओल्ड मशीन, 4 ईयर्स हो गई ऐसे। लुक गाइस, इसी तरह मैंने डाला था, ये देखे पाउडर बन के। अभी ये भी, ये ग्रीन होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये ब्लैक लेके आगे मैं ब्लैक ही ऐड करूँगी। ये देखिए कितना प्यारा, इसका अच्छा रिजल्ट निकला ही। अभी इधर बस ये बनने वाला है, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ें ऐड करूँगी चाहिए। अभी इसके लिए मैं शुगर भी ऐड करूँगी, 1 कप मैं शुगर ऐड करूँगी, अगर मुझे चाहिए तो मैं और ऐड करूँगी। तो ये मेरा अभी मैंने क्रश करके रख ली है चीज़ें सारी ग्रेटर से। तो अब मैं शुगर ने डिश वॉशर ऑन की थी, लुक बस चाहिए। ये अभी मैंने डिश वॉशर ऑन किया था, तो अभी ये बंद हुआ है, फिनिश हो गई है डिश वॉशर। अभी मैं 1 कप मेजरमेंट करके डालूंगी, अभी 1 कप ही ऐड करूंगी, बिकॉज समटाइम ज़्यादा हो जाता है ना मीठा तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं अभी, ये अभी ड्राई हो रहे हैं, अभी सारे ड्राई हो रहे हैं, ये इनके ऊपर जो वाटर है ना अभी ड्राई हो रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा ये गर्म, बहुत ही ज़्यादा हॉट गए बर्तन है, ये सारी डिशेस वेरी हॉट, अभी काफ़ी ज़्यादा ये हॉट डिशेस, ये देखिए इनके अंदर से स्टीम भी निकल रहा है। तो ये अभी इनसाइड तो ड्राई है, ये बस सेट सही जाएगा। ये देखिए डिश वॉशर लिखा हुआ, अभी ऊपर माइक्रोवेव सेव और डिश वॉशर सेव लिखा हुआ है, ये देख लिखा हुआ ड्राई हो गया। साथ में मैं शुगर को ऐड कर देती हूँ, पहले मैं चेक करूँगी शुगर कितनी है। फुल कप मैंने अभी नहीं ऐड किया, अगर मुझे चाहिए तो मैं और ऐड कर लूँगी। लुक गाइस, ये देखिए इधर मैंने सीजर रखे हुए हैं, आई एम बिट पैकिश, सो जस्ट आई नो इज नाइट टाइम, अभी नाइट टाइम होने वाला है, लेकिन मैंने ये अभी अपने लिए सीरियल इसमें ऐड किए।
ग्रेनोला है मेरा, और मैंने थोड़ा सा ये फ्रूट एंड फाइबर से ज़्यादा शुगर ऐड किया, मैंने फुल कप ऐड नहीं किया, ज़्यादा स्वीट ना हो जाए, लेस होगा तो मैं ऐड कर दूँगी, अभी तो इतना ही नफ़ मुझे लग रहा है। तो अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने लगी, थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती हूँ। लास्ट नाइट मैंने अपने हबी के लिए भी थोड़ा सा ऑर्डर किया था, ऑनलाइन किया था मैंने, थोड़ा सा चीज़ें ऑनलाइन की थी फॉर सरप्राइज फॉर माई हबी। सो वो आ गया, लास्ट नाइट मैंने ऑर्डर किया था तो आज वो आ गया, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे हबी को अभी नहीं पता, तो उनको भी अभी उनका सरप्राइज मैं भी देती हूँ, दिखाऊंगी। अभी मैंने ओपन ही किया, बस पैकेट बंद ही है। तो मैंने लास्ट नाइट अपने हबी के लिए ऑर्डर किया था, ऑनलाइन किया था ऑर्डर उनके लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ना मुझे टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, तो मैंने क्या ऑर्डर किया था अपनी हबी के लिए। तो अभी मेरे हबी को भी नहीं पता, लास्ट टाइम मुझे पूछ रहे थे क्या कर रही हो, तो मैंने उनको और नहीं बोला था, मैंने कहा था मैं वाईटी के ऊपर काम कर रही हूँ, उन्हें नहीं मैंने बताया था कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ कुछ उनके लिए सरप्राइज ऑर्डर कर रही हूँ। तो मैंने लास्ट नाइट किया था, तो सुबह 24 आवर में आ भी किया उनका, तो अभी मैंने वो बंद पड़ा हुआ है तो अभी खोला नहीं है, मैंने खुद भी नहीं अभी देखा, बस मैंने अंदर रख लिया, पोस्ट आई थी तो मैंने रख दिया हाइड करके अपने हबी से। अभी उनको भी नहीं पता, वो काम से आ गए थे तभी नहीं मैंने उन्हें दिखाया था, मैंने खुद भी नहीं देखा, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो आपके साथ आज की वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगी, बना के रख लेती हूँ वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखिए अभी मैं इसमें ये हाफ ऐड कर देती हूँ, इसके अंदर चला जाएगा, और हाफ मैं गार्निश के लिए ऊपर रख लूँगी, थोड़ा सा गार्निश में भी, ये इतना सा मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। अभी इसको मिक्स कर देती हूँ, अब इसमें मैं ऐड करूँगी देसी घी ऐड करूँगी, इससे भी बहुत ही मज़े का बनता है, देसी घी से मैं बनाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ तो ये बहुत मज़े का बनता है। मैं तो जब भी जो कुकिंग करती हूँ ना, मेरी कुकिंग बहुत ही मज़े की होती है, मेरी कुकिंग जो है ना मेरे हबी की फेवरेट है, तो उन्हें तो मेरे हाथ की हर चीज़ पसंद है, जो भी मैं खाने बनाती हूँ ना वो कहते हैं बेस्ट बेस्ट कुक है, बहुत ही खाने मज़े की बनाती है। सो थैंक गॉड, ये भी गॉड गिफ्ट होता है, जिसके हाथ में एक टेस्ट हो वो भी एक गॉड गिफ्ट ही होता है। तो थैंक यू मैं करती हूँ गॉड का, जिसने मेरे हाथ में भी इतना ये टेस्ट डाला हुआ है, जब भी मैं जैसे भी खाने बनाऊँ तो बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है, ये भी बहुत मज़े का बनता है। गाइस अभी मैंने इसमें रेजन भी ऐड किए हैं, ये वॉश्ड करके मैंने रेजन को ऐड किया है, तो ये रेजन चले ग्रीन वाले डाली, ग्रीन वाले ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अभी मैं इसमें साथ में ये देसी घी ऐड कर दूँगी, देसी घी मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, थोड़ा सा लुक ये देसी घी बिग स्पून मैंने भर के ऐड कर दिया। तो इसको अब मिक्स करेंगे, यहाँ इसका टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में और इसको अभी पकाने में, ये काफ़ी टाइम अभी मुझे लगेगा, तो ये जब थोड़ा सा बनता है फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी ऐड करने लगी हूँ, फ्रेश कोकोनट डालें तो बहुत ज़्यादा उसका सही रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी यही आ गया तो मैं यही ऐड करूँगी। पूरा जो है ना कोकोनट जो होल होता है बंच सा बना होता है, उसे कट करके ना स्लाइस बना के डालें, या इस तरह जैसे मैंने पाउडर बना के मशीन में डाले इस तरह डालें तो बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने एक 1.5 पीस ये बड़ा देसी घी का मैंने ऐड किया है, तो अब इसको मैं अच्छी तरह से जब तक ये अच्छी तरह से कॉइल नहीं निकला है मैं इसे भूनती जाऊँगी, ये मुझे काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। अभी भी इसमें ऑयल नहीं अभी निकला, मैंने शुगर जितनी दिखाई थी उतनी ऐड की है, और मैंने ऐड भी अभी इसमें शुगर, तो मैंने ज़्यादा स्वीट नहीं बनाया। इसकी स्मेल बहुत ही मज़े की आ रही है, बहुत ही मज़े की। अभी इसमें मैंने 2 स्पून भर के देसी घी के ऐड किए, 2 फुल भर के देसी घी के ऐड किए, इससे थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा भी ऐड कर लें तो सही है, तो मैंने फुल भर के ऐड किए, मैंने थोड़ा सा ऐड कॉल किया था, लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो आप और ऐड करना। तो ये अभी मैं इसका ऑयल नहीं अभी रिलीज हुआ, ये देखिए अभी तक इसका ऑयल नहीं निकल रहा, तो अभी इसको मैं और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही करूँगी, मिक्स करती जाऊँगी, इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल आए, वैसे भी कहीं बन ही गया, बन कर
ये देखिए गाइस ये रेडी हो गया, ये देखिए सेपरेट हो रहा है ऑयल सारा भी। तो गाइस ये अभी रेडी हो चुका है, ये देखिए नीचे अब नहीं लग रहा ना इसका, ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। ऑयल डिपेंड आपके ऊपर, आप ज़्यादा ऐड करने आपके बड़े, लेकिन ये दो मीटर है ऑयल का, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मैंने तो ऐसे ही बना के बस खाती हूँ। तो ये मैंने इतना ज्यादा नहीं खाना, ये मेरे लिए तो इतना सा था, मेरे और मेरे हबी के लिए इतना सा पार्ट लगा, बाकी मैंने इनके मैंने अपने इन लोग को भेज दूंगी, तो वो एंजॉय करेंगे, मेरे गेस्ट भी खाएंगे इंजॉय करेंगे। तो ये बस बन गई है, तो ये मेरा अपना जैसे मैं बना रही हूँ, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, अपने अपने मेथड, अपने अपने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। लुक गाइस ये रेडी हो चुका है, ये देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, ये देखिए काफ़ी देर के बाद कर रही हूँ अपना इस तरह का काम। तो मेरे तो ये हाथ भी थक गए हैं और मेरी आँख भी थक गई मिक्स कर करके, एंड वाला पार्ट जो ना बहुत ही हार्ड होता है मिक्स करना। ये रेडी हो चुका है, ये देखिए अभी इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है इस तरह। यहाँ कैरेट ऐसे ही कलर का होता है, इसलिए इसका डार्क कलर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है, देखिए बहुत ही मज़े का बन रहा है, बहुत ही टेस्टी। शुगर भी मैंने जितनी ऐड की है परफेक्ट, ये देखिए साइडों से ये इसका ऑयल भी निकला है, ये देखिए साइडों से जितना ऑयल डालें उतना ही निकलेगा, मैंने इतना नहीं ना डाला तो इतना नहीं निकला, फिर भी मैंने जितना डाला इनफ है, ज़्यादा भी नहीं ऑयल खाना चाहिए। तो ये देखिए परफेक्ट अमेजिंग जॉब अगेन आई डिड विद माई सेल्फ, सो नो आई एम गोइंग टू डिश आउट। अभी ये देखे मैंने ये सर्व किया है, तो ये जो मैंने गार्निश रखा हुआ है थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूंगी विद माय हैंड। लो गाइस इतना सा बाकी मैं उसके ऊपर कर दूंगी स्प्रिंकल एंड गार्निश कर दूंगी, अभी इसको मैं इधर रखूंगी। ओके गाइस लेट्स ट्राई टुडे माय हबी टर्न, सो ही विल ट्राई फॉर मी। Right, let's try it. That's so nice. And the texture, the flavour, amazing. Sorry, I'm going to have some more. Thank you. Thank you so much. Guys, trust me, it is awesome. Cheers. Thank you. Thank you so much. So guys आप ये बनाए enjoy करें, अपना बहुत सा ख्याल रखना, don't forget to thumbs up to my channel and don't forget to subscribe to my channel, अपना बहुत सा ख्याल रखना। I hope आपको ये भी मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय गाइज टिल द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज सो लुक गाइज ये अभी मैंने रेडी की है प्लेट, ये ग्रामा के घर जाएगी, ये भी मैं इनकी ग्रामा को बेचने लगी हूँ, तो ये अभी उनके घर जाएगा, तो मेरे हबी अभी जाने लगे उनको देने के लिए, तो अभी ये हम एंजॉय करेंगे ये जो मैंने अभी बनाया।